नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक और न्यू क्लास लेकर आ चुका हूं। तो यह जो आपकी क्लास होने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, बिकॉज ऑफ हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो हमारा एग्जाम है ये हमारा 5 जुलाई से कंडक्ट होने वाला है। तो यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर चाहे वे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो, जीके जीएस के हो, मैथ्स के हो, और फिर चाहे वे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज और यहां पर क्लियर कर देता हूं कि यह जो आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा लेवल आपको इंक्रीज ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने कुछ वो क्वेश्चन भी पिक करे हैं जो आपके सीएचएसएल में भी आए हुए हैं और साथ ही साथ आपके एमटीएस में भी आए हुए हैं। तो दोनों ही लेवल के मैंने क्वेश्चन को यहां पर पिक करा है और आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत ज्यादा ही उपयोगी रहेगा ये सेशन। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सभी लोग जो जुड़ चुके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कॉमेंट जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहिएगा, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, पूजा, रूपा, राजेश, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑसम को तुम्हारा 15, 51, 16 और तुम्हारा 45 के रूप में कोडबद्ध करा जाता है। तो ये तुम्हारा क्या लिखा है बालक, यहां पे ऑसम लिखा है। तो सबसे पहले तुम यहां पर क्या करो, ऑसम का रिलेशन देखो कि किस तरीके से 15, 51, 16, 45 लिखा जा रहा है। तो ये जो तुम्हारा आधारित क्वेश्चन है तुम्हारा किस पर है, प्लेस वैल्यू पर, ठीक है ना, किस पर आधारित है ये क्वेश्चन तुम्हारा, प्लेस वैल्यू पर आधारित तुम्हारा प्रश्न है। और अगर इस प्रश्न को मैं क्लियर करता हूं तो ए की प्लेस वैल्यू 1, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 5, W की प्लेस वैल्यू आप कितनी लिखोगे 5। अच्छा क्यों सर W की प्लेस वैल्यू 5 लिखेंगे, उसका रीजन है बिकॉज ऑफ W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है। 23 को हम लोग 2+3 लिख सकते हैं और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा यहां पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा ई लिखा हुआ है, ई की प्लेस वैल्यू तुम्हारी यहां पर से कितनी हो जाएगी, अगेन बेटा 5 हो जाएगी, ठीक है, यहां तक तुम समझे। और ये जो तुम्हारा एस है, एस की क्या हो जाती है, प्लेस वैल्यू 19, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1+9 कितना हो गया तुम्हारा यहां पर से, 1+9 तुम्हारा हो गया 10, और 10 कितना हो गया 1+0, तुम यहां पर से कितना लिखोगे इसको, 1 ही लिखोगे जैसा यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको क्लियर करना है। रेनू सत्सत कैसे हैं, गुड मॉर्निंग। मुकुल कुमार गुड मॉर्निंग। तो ये जो तुम्हारा एम लिखा है, एम का प्लेस वैल्यू कितना, 13 हो गया, 13 को 3+1 लिखोगे तुम कितना हो गया 4, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 लिख सकते हो, बिल्कुल सर हम लोग यहां पर इसको 4 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, O को हम लोग कितना 6 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि O की प्लेस वैल्यू कितनी 15 होती है, 1+5 कितना 6 हो जाता है, ठीक है ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप बीएसए ट्रिकी क्लासेस पर मिल जाएगी। इसी तरीके से यहां पर क्या देखो, जिनकी प्लेस वैल्यू सिंगल डिजिट है उनको तो वैसे का वैसे ही लिखे रहने दिया, बट जिनकी प्लेस वैल्यू डबल डिजिट है उन्हें ब्रेक करके प्लस करके लिख दिया गया है, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा डिग्निटी लिखा हुआ है इसको इन्होंने किस तरीके से ये लोग कोडबद्ध करेंगे, तो यहां पर ध्यान देखिएगा, डिग्निटी है ना, डी की प्लेस वैल्यू आपकी 4 हो जाती है। तो तुम कहोगे सर यहाँ 4 तो ऑप्शन 3 में दे रखा है, तो अब क्या करो तुम लास्ट वाली प्लेस वैल्यू को चेक करो, ये तुम्हारी कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है, 2+5 तुम्हारा यहां पर से कितना बन जाता है, तुम्हारा 7 बन जाता है। तो अब या तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है अन्यथा ये वाला ऑप्शन हो सकता है। मेन चीज हमारा यहां पर क्या है, टाइम को बचाना, तो इसी के जस्ट बाद आप टी को यहां पर चेक करो, ठीक है। अब यहां पर देखो टी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है तुम्हारी, 20 हो जाती है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2+0, और यहां से तुम्हें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो क्या बनेगा तुम्हारे यहां पर से, 7 के बाद 2, और ऑप्शन ए जो है वह तुम्हारा परम सत्य आंसर यहां से हो जाएगा, और टाइम भी आपका बच जाएगा, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग जो भी जुड़ने हैं। अब दर्द का रिलेशन पीड़ा से दे रखा है, उसी प्रकार से क्रोध का रिलेशन किससे होगा, ठीक है ना। अच्छा चलो स्वास्थ्य देवी अच्छा है। तो यहां पर देखो दर्द का रिलेशन किससे दे रखा है, पीड़ा से दे रखा है। मुझे एक चीज बताओ कि जब व्यक्ति को दर्द होता है तो उसे क्या प्राप्त होती है, तो आप कहोगे सब जब व्यक्ति को दर्द होता है तो उसको पीड़ा मिलती है ना, क्या मिलती है उसको बालक, पीड़ा मिलती है। तो उसी प्रकार से जब उसको क्रोध आता है तो उसको क्या प्राप्त होता है, अगर मैं क्रोध की बात करता हूं आपको उत्साह मिलता है क्या क्रोध में, मुझे जल्दी से बताइए, या फिर उसी प्रकार से क्रोध में आप प्रसन्नता मिलती है, भव्यता मिलती है, तो क्रोध जब कभी भी आता है तो क्या मिल जाती है, यहां पे उग्रता हो जाता है उत्पन्न अंदर, ठीक है ना, वॉयलेंस करने लगता है व्यक्ति, क्या करने लगता है, वॉयलेंस करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह तुम्हारा यहां से राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग बेटा क्लास को शेयर करते रहिए। अब यहां पर देखिए कि किसी प्रकार से व्यापारी और व्यापार के बीच में जो रिलेशन और कॉन्सेप्ट तुम्हारा पुट है, उसी तरीके से तुम्हें यहां पर बताने की ये जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से आपका एज इट इज व्यापारी और व्यापार के बीच में जो रिलेशन दिया गया वही तुम्हारा 4 ऑप्शंस में से किस में दिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से डिफाइन करिए। अब मुझे एक बात बताओ, एक व्यापारी है, जस्ट सपोज यहां पर क्या है, एक व्यापारी है,
तो व्यापारी आपका एक्चुअल में क्या करता है, व्यापार करता है ना, क्या करता है आपका, व्यापार करता है। और व्यापार किससे करता है, तो वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्य लोगों के द्वारा, व्यापारी क्या हो जाता है, ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो अन्य लोगों के द्वारा, ठीक है ना, लोगों के द्वारा उत्पादित चीजों का, ठीक है ना, लोगों के द्वारा यहां पर क्या उत्पादित चीजों का क्या करता है बालक, यहां पे व्यापार करता है। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहां पर मुझे बताओ कौन सा वाला यहां पर जो सिक्वेंस है वह आपका इस व्यापार और जो व्यापारी में पुट हुआ रिलेशन उसको यहां पे शो कर रहा है। जो वकील हो जाता है वह न्यायालय के अंदर रहता है, नहीं देखो वकील न्यायालय के अंदर रहता है, लेकिन वकील का वर्क क्या हो जाता है कि वह यहां पर केस वगैरह लड़े और जो भी व्यक्ति होता है उसको छुड़वाने वगैरह का उसका वर्क हो जाता है। वैज्ञानिक का वर्क क्या होता है, खोजबीन करना, है ना, उसी तरीके से अभियांत्रिकी का क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग क्या विज्ञान से रिलेटेड है, नहीं, इंजीनियरिंग का कई भी यहां पर स्रोत हो जाते हैं जैसे कि किसी चीज को इन्वेल्ड करना वगैरह वगैरह। तो यहां पर चिकित्सक का क्या मतलब होता है, तो बिल्कुल सही, चिकित्सक का वर्क यहां पर क्या हो जाता है, किसी बीमारी का, ठीक है ना, किसी बीमारी का कह सकते हो, या फिर आप यहां पर कह सकते हो रोगियों का, ठीक है ना, किसका, आपके रोगियों का क्या करना है यहां पर से उपचार करना, ये क्या हो जाता है इसका वर्क हो जाता है, ठीक है, उपचार करना। तो क्या होगा, सी तुम्हारा यहां पर से परम सत्य आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर तुम्हें क्या अलग का चयन करना, अलग को तुम ऑड भी शो कर सकते हो या फिर तुम्हें यहां पर डिफरेंट वन का चयन करना है। बेटा क्लास को शेयर करके जल्दी से 50 प्लस पर पहुंचा दीजिए, ठीक है ना, 50 प्लस पर पहुंचा दो, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जल्दी भी पढ़ाऊंगा और तुम्हें समझ में भी आएगा, और यही आदत तुम्हारी यहां पर से डलेगी, वही आदत तुम्हें वहां पर प्लस पॉइंट देगी बच्चे, है ना। बिकू कुमार गुड मॉर्निंग, रजनीकांत गुड मॉर्निंग, रूपा कुमारी गुड मॉर्निंग। अब देखो यहां पर तुम्हें क्या बताना है, डिफरेंट वन का चयन करना है। तो मैंने तुम्हें कई बार एक चीज बताई है, कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला का सिक्वेंस देखो, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर देखो, ठीक है ना, क्या देखो यहां पर अक्षर देखो, तो अक्षरों के बीच में बेटा क्या देखोगे तुम, मैंने बता रखा है तुम्हें, तो अक्षरों के बीच में या फिर अक्षरों के मध्य में क्या देखोगे आप लोग, मध्य लिख लो यहां पर, चाहे तो बीच लिख लो, उसके बीच में क्या देखोगे, सदैव आप लोग डिफरेंस देखोगे, है ना। अब यहां पर एक चीज बताओ, ये जो तुम्हारा जी एल क्यू वी लिखा है, तो यहां पर से समझते हो, चलो जी से तुमने क्या करा, प्लस फाइव करा, तुम्हें एल मिला, एल से क्या कर दिया तुमने, प्लस फाइव कर दिया, क्यू से क्या कर दिया, प्लस फाइव कर दिया, तो एज इट इज तुम्हारा यहां पर प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव का सिक्वेंस बैठ रहा है। अब यही तुम्हारा यहां पर भी सिक्वेंस, यहां पर एम लिख लीजिएगा, ठीक है, तो यहां पर सी एच एम आर में भी तुम्हारा एज इट इज यही प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव का तुम्हारा सिक्वेंस बैठ रहा है। बट ये जो तुम्हारा एक्स सी एच है, यहां पर भी तुम्हारा सेम यही सिक्वेंस बैठ रहा है, ठीक है, बट ये जो तुम्हें दे रखा है एल क्यू वी जेड, तो देखो यहां पर L से प्लस फाइव करा तुमने, तुम्हें कितना Q मिल गया, Q से कितना करा तुमने, प्लस फाइव करा, तुम्हें V मिला, और V से प्लस फाइव करने पर तुम्हें कितना मिलेगा यहां पर, सॉरी प्लस फोर करने पर तुम्हें कितना मिलेगा, Z मिलेगा। तो इस कारणवश तुम्हारा यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये तुम कह सकते हो ये आपका डिफरेंट वन यहां से हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहां पर, असंगत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है, ठीक है। अब इंजीनियर स्नातक और पुरुष के बीच में तुम्हें यहां पर बताना है कौन सा वाला जो वेन आरेख है वह आपका रिलेशन शो करता है, ठीक है ना, यहां पर बताइए कौन सा वाला वेन आरेख आपका रिलेशन शो कर रहा है, और सभी लोग क्लास को शेयर करके जल्दी से 50 प्लस पर पहुंचा दीजिए, ठीक है ना, कितने पर बालक, 50 प्लस पर अपनी क्लास को पहुंचा दो। इंजीनियर स्नातक पुरुष, अब मुझे एक चीज बताओ, इंजीनियर है स्नातक है पुरुष है, जो तुम्हारे यहां पर स्नातक है वह क्या तुम्हारे यहां पर इंजीनियर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल तुम कहोगे कि सर ये हमारे यहां पर क्या हो गए इंजीनियर हो गए, वह कुछ इंजीनियर हमारे यहां पर क्या स्नातक हो सकते हैं, नो डाउट सर, ये क्या हो गया हमारे स्नातक हो गए, और यहां पर ये क्या हो जाते हैं कुछ इंजीनियर हो सकते हैं, और कुछ यहां पर क्या हो सकते हैं पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर कौन सा वाला रिलेशन शो करेगा, तो आपका ए जो ऑप्शन दे रखा है ये आपका इंजीनियर स्नातक और पुरुष के बीच में रिलेशन को सही रूप से निरूपित करता है। और यदि तुम बी पर टिक लगा रहे हो तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे तुमने यहां पर क्या कह दिया, तुमने इंजीनियर कह दिया, चलिए ठीक है मैंने इंजीनियर पर टिक लगा दिया, और तुमने ये क्या कह दिया यहां पर पुरुष कह दिया, तो क्या कुछ ही पुरुष तुम्हारे इंजीनियर, कुछ पुरुष तुम्हारे यहां पर स्नातक नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं तुम्हारे कुछ पुरुष स्नातक भी, तो ए तुम्हारा यहां से राइट ऑप्शन आंसर होगा, बी पर टिक मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तीन यहां पर संख्याएं दे दी गई हैं, तीन संख्याओं में से तुम्हें क्या बताना है यहां पर असंगत का चयन करना है, किसका चयन करना है आपको यहां पे असंगत का चयन करना है। अच्छा असंगत का चयन कैसे करोगे मुझे ये चीज बताओ, ठीक है, 216 159 और फिर तुम्हारा 512 देन आपका 343। अब यहां पर से एक चीज ध्यान से समझना
कि तुम्हारे तीन जो हैं या तो वह कह सकते हो किसी का स्क्वायर होंगे, है ना, या फिर क्या हो जाएगा वह किसी का क्यूब होंगे, ठीक है, तीन की बात कर रहा हूं, किसी का क्या हो जाएंगे, क्यूब हो जाएंगे, या फिर उनके नंबर्स को ऐड करने पर सम संख्या मिलेगी, ठीक है, और या फिर ऐड करने पर तुम्हारी यहां पर क्या हो जाएगी, विषम संख्या मिल जाएगी, बट एक जो आपका हो जाएगा, एक जो है वह आपका इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा होगा, अभी अभी नहीं आएगा एडमिट कार्ड, ठीक है ना, एक आपका यहां पर फॉलो नहीं कर रहा होगा, है ना, क्या नहीं कर रहा होगा, आपका फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो यदि मैं यहां पर से बात करता हूं तो ये जो तुम्हारा 216 है, मुझे एक चीज यहां से क्लियर करो कि 216 क्या है, तुम कहोगे सर 6 का क्यूब है, ठीक है बेटा, 512 क्या है, तो तुम कहोगे सर ये हमारा 8 का क्यूब है, ठीक है बालक, ये तुम्हारा क्या हो गया, 8 का क्यूब हो गया। अब 343 क्या है, तुम्हारा यहां पर 7 का क्यूब है, बट ये जो लिख रखा है 159, ये तुम्हारा क्या है, किसी का भी यहां पर क्या नहीं है, तो ये किसी का भी बच्चे यहां पर क्यूब नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं है, घन नहीं है, ठीक है, तो इस कारण बस भी तुम्हारा डिफरेंट हो जाएगा। राम राम, कैसे हैं आप, ठीक है, हाँ वेरी गुड उपेंद्र, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। अब यहां पर तुमसे बोला गया जो 8 और 128 के बीच में रिलेशन पुट होगा, जो लॉजिक पुट होगा, जो कॉन्सेप्ट पुट होगा, वही रिलेशन और लॉजिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा चार ऑप्शंस में से किसी एक में भी पुट होगा, ठीक है ना। अब यहां से बताओ कि तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन आंसर बन जाएगा, जल्दी से क्लियर करिए। देखिए सबसे पहले 8 और 128 के बीच में रिलेशन देखो, देखो ये तुम्हारा 8 और 128 लिखा हुआ है। अगर मैं यहां पर से क्लियर करता हूं, अगर मैंने 8 का ये जो स्क्वायर है ना, सपोज थिंक मैंने 8 के स्क्वायर में 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 64 में जब मैंने 2 मल्टीप्लाई करा मुझे कितना 128 मिला। अब यही तुम्हें देखना है कि ये जो तुम्हारा लॉजिक है ना, रोहित कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, लक्ष्मी वेरी गुड मॉर्निंग, ये जो तुम्हारा लॉजिक है ना कि पहले नंबर का क्या करना है, यहां पर क्या करा गया है, पहले, ठीक है ना, नंबर का, ठीक है ना, क्या करा इन्होंने, पहले नंबर का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या करा इन्होंने, पहले नंबर का स्क्वायर करने पर 2 से क्या कर दिया बेटा, इन्होंने 2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया है ना, क्या कर दिया है आपका, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ भी नहीं इन्होंने करा है, ठीक है। तो यहां पर समझो बेटा, अगर तुम 10 का यहां पर स्क्वायर 100 में मल्टीप्लाई 2 करते हो, क्या तुम्हें 220 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता है। 9 का स्क्वायर 81 टू जा तुम्हारा कितना यहां पर बन जाएगा 152, सर तुम कहोगे सर ये भी नहीं हो सकता है। 6 का स्क्वायर तुम्हारा 36 टू जा तुम्हारा यहां पर 82 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बट ये जो तुम्हारा 12 है, ठीक है ना, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 हो गया, मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, बस बेटा यही तुम्हारा यहां पर से सत्य आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर से तुम्हारा क्या हो गया, जीके जीएस का सेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, तो इसमें आराम से जवाब दीजिएगा, हर एक पॉइंट में तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलूंगा, जो भी तुम्हारे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से उपयोगी रहेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2019 जीता था, आपको बताना है। एडमिट कार्ड बेटा आपका 10 दिन पहले आएगा, ठीक है, तुम्हें टेंशन ना लो एडमिट कार्ड का, जब भी आएगा तुम्हें सूचित कर दिया जाएगा। प्रियंका वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2019 जीता था, तो ये चीज सभी को पता होगी। देखो आईपीएल जो तुम्हारा 2019 था, ये तुम्हारा एक्चुअल में क्या था, ये तुम्हारा 12वां संस्करण था, ठीक है ना, कैसा संस्करण था, तो तुम कहोगे सर ये हमारा 12वां संस्करण था, ठीक है। अब यहां पर तुम एक चीज समझते हो, चलो 12वां संस्करण के साथ ही साथ तुम्हारे 2019 में कौन इस आईपीएल को जीतता है, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए इस प्रतिस्पर्धा में कितनी टीमों ने भाग लिया था। जो ये तुम्हारी जो प्रतिस्पर्धा थी, यहां पर तुम्हारी 8 टीमों ने भाग लिया था, कितनी टीमों ने, तुम्हारा यहां पर 8 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है बेटा। अब अगर इसके बाद अगर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए चलते हैं, सुनीता प्रकाश सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, क्लास को शेयर करके अब जल्दी से 70+ पर पहुंचाओ, ठीक है। तो 8 टीमें तुम्हारी यहां पर क्या लेती हैं बेटा, भाग लेती हैं। और इसके बाद यदि मैं बात कर लेता हूं, तो यहां पर मुंबई इंडियंस अपना ये क्या हो जाता है, फाइनल जीत जाती है, ठीक है। अब देखो मुंबई इंडियंस जो जब 2019 वाला आपका फाइनल जीती, तो उस समय ये अपना कौन सा, तो ये आपका चौथा संस्करण, ठीक है ना, कौन सा बालक, यहां पर ये चौथा संस्करण अपने नाम करती 2019 के अंदर। और अगर यहां से पॉइंट टू पॉइंट यहां पर बात कर लेता हूं, तो यहां से समझते हुए चलो, तो किसको हराया था यहां पर, तो ये आपका चेन्नई सुपर किंग को, ठीक है ना, किसको हराया था आपका, चेन्नई सुपर किंग को आपका यहां पर हराया था, कितने 1 रन से हराया था, है ना। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे स्पाइडरमैन है,
प्रेम फौजी कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में डैश में की गई थी, कहां की गई थी। देखो आपसे क्वेश्चन यहां पर 1854 की बात कर रहा है, 1854 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहां पर तुम्हारी कपास मिल की स्थापना, देखो कपास मिल की जो तुम्हारी स्थापना थी वह तुम्हारी कहां पर करी गई थी, अगर मैं तुम्हें यहां से क्लियर करता हूं, वेरी गुड। 2020 में भी आपका मुंबई जीता, 2021 में चेन्नई, 2022 में गुजरात, और 2022 वाले जीत कैसे भूल सकते हैं, है ना। देखो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो यहां से ये जो तुम्हारा लिखा है कपास मिल की स्थापना, हाँ पहली कपास मिल की स्थापना, तो ये तुम्हारी कहां पर हो जाती है, बंबई के अंदर हो जाती है, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें यहां से थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं तो कब तुम्हारी हुई थी, तो ये जो तुम्हारी स्थापना हो जाती है ये आपकी 7 जुलाई को होती है, ठीक है ना। कब आपकी 7 जुलाई 1854 में आपकी इसकी क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं तो ये क्या हो जाता है आपका 1854 में, तो आप लोग कह सकते हो यहां पर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और किसके द्वारा इस कंपनी को डिजाइन करा गया था, ठीक है ना, ये अगर तुमसे पूछे इस कंपनी को किसके द्वारा आपका डिजाइन करा गया था, तो तुम्हें यहां से यह चीज पता होना चाहिए कि ये जो तुम्हारी कंपनी है तुम्हारा सर विलियम पेरवेम के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, ये आपकी सर विलियम, ठीक है, सर विलियम पेरवेम के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, तुम्हारी फेरवेम के द्वारा आपकी यहां पर क्या हो जाती है, फेरवेम के द्वारा आपकी ये कंपनी स्थापित करी जाती है या फिर इसको डिजाइन करा गया था, स्थापित ना लिखेगा यहां पर, डिजाइन करा गया था इस कंपनी को, ठीक है। ऑप्शन बी तुम्हारा यहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्लास को सभी लोग अब शेयर करके 90 प्लस पर अपनी क्लास को पहुंचा दीजिए सभी बालक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला आपसे पूछा जा रहा है, यहां पर कौन थी, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर कृष्णा हंटी सिंह। हंटी सिंह, तो यहां पर समझते हो चलो आपका क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जो है वह आपका राइट ऑप्शन आंसर होगा। और अगर मैं यहां से बात कर लेता हूं, सचिन पाठक वेरी गुड मॉर्निंग, तो समझते हुए चलो ये आपकी क्या हो जाती है, ये हमारी पहली, ठीक है ना, पहली भारतीय राज्य की यहां पर क्या हो जाती है, बनने वाली पहली यहां पर राज्यपाल, ठीक है ना, पहली राज्यपाल हो जाती है महिला राज्यपाल, ठीक है ना, कौन सी है आपकी, पहली महिला राज्यपाल, है ना, लिख लीजिएगा यहां पर क्या आपकी पहली महिला राज्यपाल थी ये, ठीक है ना। और अगर मैं यहां पर से तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर करते हुए चलता हूं तो बेटा एक और पॉइंट टू पॉइंट बात नोट करते हुए चलना कि कब आपकी यहां पर ये बनती हैं, तो 1949 में बनती हैं, ठीक है ना, क्या बनती हैं आपकी 1949 में, कहां पर आपकी है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, कहां पर आपकी ये हो जाती है, तो ये बच्चे हो जाती है उत्तर प्रदेश में। और अगर थोड़ा सा मैं और बात कर लेता हूं, संगी गुज्जर वेरी गुड मॉर्निंग, सुशांत पाठक वेरी गुड मॉर्निंग, बेटा क्लास को शेयर करके जल्दी से 95 प्लस पहुंचाओ, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाती है बेटा, यहां पर से समझते हुए चलो कि ये जो आपकी हो जाती है उत्तर प्रदेश का शासन करती हैं। और अगर मैं तुम्हें यहां पर से और क्लियर कर देता हूं तो यहां पर समझते हुए चलो इनकी पुत्री का नाम तुम्हें पता है कि नहीं पता है, पॉइंट वाली बात है, नोट डाउन करते हुए चलना, जो इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री का क्या नाम था बालक, तो इनकी पुत्री का नाम था कि पद्मजा नायडू, ठीक है ना, क्या नाम था इनकी पुत्री का नाम आपका, पद्मजा नायडू, जो कि आपकी क्या हो जाती है, कहोगे सर आप इनके बारे में क्यों बता रहे हो, मुख्यतः है पद्मजा जो नायडू हो जाती है वो पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, कहां पर आपकी, पश्चिम बंगाल के अंदर, आपको पता होना चाहिए इन्होंने, ठीक है ना, 11 साल तक, कितने साल तक आपका यहां पर 11 साल तक कार्यकाल के साथ आप लोग कह सकते हो सेवा दिया था इन्होंने, कितने 11 साल तक इन्होंने पश्चिम बंगाल को सेवा भी दिया था, ठीक है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम कहोगे वो भी महिला राज्यपाल के रूप में, ठीक है ना, किसके रूप में आपका इन्होंने, महिला राज्यपाल के रूप में। तो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा, एग्जामिनर कुछ भी पहुंचे तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर सभी को, तो ऑप्शन ए यहां पर टिक लगा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हें क्या दिया गया है, कि निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों को यहां पे करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर आपकी पायलट बनी, ठीक है। गुड मॉर्निंग सोनू कैसे हो, मोहना सिंह, भावना कंठ, उज्ज्वला राउत या फिर तुम्हारी अनुपमा बनर्जी। तो यहां से बताओ तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। देखो भारतीय वायुसेना अधिकारी की बात चल रही है, तो आपकी फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन बनती है, आपकी पहली जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो जाती है वे आपकी कौन हो जाती है बेटा, तो यहां पर से तुम लिखोगे भावना कंठ हो जाती है, ठीक है ना, कौन हो जाती है आपकी यहां पर से, भावना कंठ हो जाती है। और अगर मैं यहां पर से थोड़ा सा और बात कर लेता हूं तो ये तुम्हारी क्या, पहली भारतीय, पहली महिला आपकी ये बन जाती है फाइटर पायलट वाली, ठीक है ना, कौन सी आपकी, फाइटर पायलट आपकी ये पहली महिला बनती है, ठीक है।
और अगर मैं यहां पर से थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूं, बेटा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, है ना। अच्छा 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 ठीक है। अभी अब यहां पर बेटा क्वेश्चन पर ध्यान दो, और अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है ना कि इन्होंने अपनी ट्रेनिंग किससे कंप्लीट करी। अगर इनकी ट्रेनिंग की बात तुमसे एग्जामिनर पूछ बैठता है तो आपको पता होगा इन्होंने अपनी ट्रेनिंग जो थी MiG-21 से कंप्लीट करी थी। किससे करी थी आपकी? MiG-21 से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी। और यहां पर से थोड़ा सा और पॉइंट टू पॉइंट लिख लो तो ये आपका क्या हो जाता है, ये जो तुम्हारा एक तरीके से एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, क्या है ये आपका एयरक्राफ्ट है। अच्छा सर कैसा एयरक्राफ्ट है? एयरक्राफ्ट तो कई तरीके के होते हैं, तो ये तुम्हारा जो हो जाता है ये बालक बाइसन एयरक्राफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। कैसा एयरक्राफ्ट हो जाता है? ये आपका बाइसन एयरक्राफ्ट तुम्हारा हो जाता है, ठीक है सर, ये भी हमको क्लियर है। हाँ संतोष धाकड़ वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा क्लास को शेयर करके जल्दी से 115 तक पहुंचा दो। देखो कितने मुख्य पॉइंट मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, ये तुम्हारा बाइसन एयरक्राफ्ट आपका हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं क्लियर कर दूं तो ये तुम्हारा कहां रहता है तैनात, अगर बात करूं तो ये तुम्हारा राजस्थान के अंदर तैनात रहता है ये एयरक्राफ्ट आपका, कहां पर? राजस्थान के अंदर आपका। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये आपका क्या रहता है? तैनात रहता है। इसी तरीके से तुम लोग भी बेटा कमेंट करते रहा करो कि सर ये, चलो मैंने इतना बता दिया, तुम भी अपने पास से कमेंट करा करो सर ये भी हो सकता है, इससे क्या होगा मेरी तुम्हारी दोनों की नॉलेज बढ़ती रहेगी, है ना। और यहाँ पे भावना कंठी जी आपके राइट ऑप्शन आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मैं मुख्य मुख्य पॉइंट तुम्हें बताता हूं कि किस लिए गए कमी भी जीनो पाए पच की कल संख्या, पता नहीं कौन भाषा लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अर्थशास्त्रियों के लिए डैश का अर्थ किसी उत्पाद या सेवा की यह वह मान्य जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और साम दोनों हो, तो यहां से बताओ आपका राइट ऑप्शन सर क्या होगा। देखो गुरु जी को साधन प्रणाम कर रहे हो इतनी और बतिया रहे हो इतनी तेज से, है बतियाओ मत बेटा, साधन प्रणाम करने के बाद गुरु जी की नजरों में उठे रहो, बहुत कामयाबी वास्तविक रूप से मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर से समझो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है मांग वह तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो तुम्हारा कौन सा जिला हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो तुम्हारा थाने लिखा हुआ है ना, है ना, तो इसी समय आपकी क्लास स्टार्ट होती है, वैसे क्लास की आपकी टाइमिंग 7:45 है, ठीक है ना। तो मुझे आज एक्चुअल में कहीं पर जाना था तो मैंने सोचा क्लास लेना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है तो इसीलिए मैंने क्लास पहले ली, ठीक है। तो यहां पर थाने महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर समझते हुए चलो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तुम्हारे 2011 और 2014 तक की यहां पर जनगणना के बारे में अगर तुमसे पूछे तो यहां पर क्या हो जाता है, तो यहां पे 2011 थाने में क्या हो जाता है आपका एक, इसको विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्या कर दिया जाता है आपका विभाजित कर दिया जाता है। विभाजित करके आप लोग को यहां पर पता होना चाहिए कि एक नए जिले का यहां पर निर्माण कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है आपका एक नए जिले का निर्माण कर दिया जाता है जिसका नाम क्या हो जाता है आपका पालघर नामक, ठीक है ना, पालघर नामक आपका एक नया जिले का निर्माण यहां पर हो जाता है, ठीक है। तो इसके अनुसार यहां पर क्या हो जाता है, थाने की आबादी आपकी 2014 में यहां पर गिर जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है थाने की आबादी आपकी 2014 में गिर जाती है, क्योंकि यह जरूरी भी था कहीं ना कहीं मुख्य था, ठीक है। 2014 की जनगणना के अनुसार नहीं, लेकिन 2014 में तुम्हारी यहां पर क्या विभाजन के अनुसार, ठीक है ना, किसके अनुसार, तुम्हारा विभाजन के अनुसार, ठीक है, जनगणना इनकी हाई देखते हुए इसलिए करा था, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, हाँ ब्रजेश सॉरी ब्रजकिशोर कैसे हो, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बेटा। 30 मिनट 25 मिनट और क्लास चलेगी। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, जल्दी से बताइए। देखो 1903 की बात चल रही है और महिला की बात चल रही है, अगर तुमसे कभी भी पहली महिला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो तुम यहां पर क्या कहोगे, देखो ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे पहली महिला, पहली महिला से रिलेटेड कभी भी तुम्हारा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है बेटा, कभी तक भी क्लास चले अंशुमान, आपको तो क्लास लेनी है ना, अब उसका टाइम मत पूछो कब तक चलेगी, बस फोकस करो क्लास पे। पहली महिला से रिलेटेड अगर तुमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन थी ये तुम्हारी, तो ये तुम्हारी आई थिंक हाँ मैरी क्वेरी थी, कौन थी आपकी है महिला, मैरी क्वेरी थी आपकी महिला। और अगर मैं यहां पर से थोड़ा सा और पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेता हूं तो कब इन्होंने बेटा, तो ये आपका कह सकते हो मैरी क्वेरी हो जाती है, इन्होंने किसके साथ जीता था यह पुरस्कार, सबसे बड़ा क्वेश्चन यह बनता है, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल 1903 में आपका क्या पुरस्कार जीता था और किसके साथ पुरस्कार जीता था, तो यहां से नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि यह जो आपका पुरस्कार हो जाता है वह अपने पिताजी के साथ जीता था, ठीक है ना, किसके साथ जीता था, अपने सॉरी पिताजी कह रहा हूं, अपने पति के साथ में इन्होंने पुरस्कार जीता था, और इनके पति का क्या नाम था बालक, तो यहां पर पियरे क्वेरो जो हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है पियरे, ठीक है ना,
क्वेरी, ये इनके क्या था यहां पर, ये इनके पति का नाम था, तो इनके साथ में आपका क्या है यहां पर, इन्होंने पुरस्कार जीता था, साथ में एक और व्यक्ति थे, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाते हैं, तो यहां पर बेटा एक आध क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी नहीं हो पाते हो बायलैंग्वेज, ठीक है, तो उसमें मेरी तरफ से सॉरी आप लोगों को, ठीक है। देखो यहां पर आपका क्या भौतिकी की बात चल रही है, ठीक है, भौतिकी की पहली महिला की बात चल रही है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर पेरी क्वेरी भी उनके साथ थे, और इन्हीं के साथ एक और व्यक्ति को जाते हैं हेनरी बेक्यूरल, ठीक है ना। हेनरी बेक्यूरल ने भी यह पुरस्कार इनके साथ में जीता था, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं, हेनरी बेक्यूरल आपके हो जाते हैं, और ये क्या बनी थी आपकी पहली महिला यहां पर बनी थी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा मैं तुम्हें यहां से और क्लियर कर देता हूं, इट्स ओके सचिन, अगर मैं थोड़ा यहां से तुम्हें और क्लियर कर देता हूं, तो समझते हुए चलो कि 1911 में इन्होंने क्या जीता था बेटा, रसायन के क्षेत्र में जीता था, कंफ्यूज मत हो बालक, रसायन के क्षेत्र में आपका इन्होंने 1911 में जीता था, और तुमसे यहां पर कब पूछा जा रहा है, 1903 में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सी तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गई क्वेरी तुम्हारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। अब इन्होंने विश्व उच्च रक्तपात सॉरी रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी 17 मई 16 फरवरी 14 अप्रैल को, तो जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बताइए आपका राइट ऑप्शन सर क्या होगा बेटा। क्लास को सभी लोग शेयर करो, और शेयर करके जल्दी से 115 तक पहुंचा दीजिए, ठीक है ना। कितने पर, 115 प्लस पर पहुंचाइए क्लास को। अब हो गया क्लियर कि रसायन का कब जीता था और फिजिक्स का कब जीता था, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहां पर से समझो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए आपका प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, WHD भी तो कहते हैं, बिल्कुल सर कहते हैं। और अगर यहां पर से बात कर लेता हूं, तो आप लोग कह सकते हो इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड हाइपरट्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, वर्ल्ड हाइपरट्रेशन डे हो जाता है, ठीक है, तो लिख लीजिएगा वर्ल्ड हाइपो ट्रेशन डे भी इसको आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, डे लिख लीजिएगा यहां पर। और अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें थोड़ा सा और यहां से क्लियर कर देता हूं, तो नोट डाउन करते हुए चलो क्या हो जाता है यहां पे, तो अगर मैं यहां से बात कर लेता हूं, तो यहां पर क्या हो जाती है आपकी महामारी, आधुनिक महामारी भी इसको बेटा क्या कहा जाता है, आधुनिक महामारी भी कहा जाता है, किसको, आपका रक्तचाप दिवस जो हम मनाते हैं, तो इसको क्या आधुनिक महामारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहां से तुम्हें और क्लियर कर देता हूं, तो समझते हुए चलिएगा, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर कह सकते हो कि जो तुम्हारी वर्ल्ड हाइपरट्रेशन डे मनाने का मुख्य उद्देश्य था, तो वह तुम्हारा साइलेंट किलर, जो तुम्हारी आधुनिक महामारी हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है, तुम्हारी साइलेंट किलर महामारी को यहां पर सबके बीच में जागरूक करने के लिए, ठीक है ना, जागरूक करने के लिए, और आपका इस बीमारी से लड़ने के लिए डे आपका मनाया जाता है, बी आपका परम सत्य आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, सो रहे हैं सोने दीजिए। हाँ मिस कैसे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, अच्छा गलती उनकी भी नहीं, क्लास मैंने आज जल्दी स्टार्ट कर दी है, तो उन्हें शायद क्लास टाइमिंग नहीं पता होगी। निम्नलिखित में से यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है, जो खून के थक्के, हड्डी के चपापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है, तो जल्दी से डिफाइन करिएगा, ठीक है। हाँ जो जो वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो, ठीक है, जल्दी से राइट ऑप्शन सर बताओ तुम्हारा क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहां पर आपका बात करते हैं राइट ऑप्शन आंसर की, तो क्या हो जाएगा, विटामिन के तुम्हारा यहां पर से करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। क्या होगा तुम्हारा यहां पे, विटामिन के। अगर मैं यहां से क्लियर कर दूं, तो विटामिन के तुम्हारा क्या हो जाता है, तो सबसे पहले समझते हुए चलो तुम्हारा क्या हो जाता है, वसा में घुलनशील हो जाता है, ठीक है ना। कहां पर घुलनशील हो जाता है ये आपका, तो ये आपका वसा के अंदर क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। और अगर मैं यहां से क्लियर कर देता हूं, तो ये तुम्हारा क्या, जो चपापचय हो जाता है, रक्त कैल्शियम हो जाता है, तो इनको क्या करता है बेसिकली आपका नियंत्रित करने का, ठीक है ना, क्या करने का आपका यहां पे, नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है ना, क्या करता है आपका, नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है सर, ये भी हमको क्लियर है। थोड़ा सा और यहां पर बताइए, और अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा और यहां पर क्लियर कर देता हूं, तो यहां पर समझते हुए चलो, तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक तरीके से जो विटामिन के होता है तुम्हारा, एक तरीके से प्रोटीन का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, शरीर के अंदर प्रोटीन का कार्य करता है। और यहां पर तुम कह सकते हो थक्का जमने की प्रक्रिया में जो मुख्य कारक भी हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है तुम्हारा यहाँ पे, थक्का, जो थक्का जमता है उसकी जमने की जो क्रिया हो जाती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है तुम्हारी, क्रिया हो जाती है, उसमें क्या हो जाता है तुम्हारा, मुख्य कारक हो जाता है, ठीक है, क्लियर सभी को, क्या हो जाता है ये आपका, मुख्य कारक यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, भारत के संविधान में
किस अनुच्छेद में, ठीक है ना, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में तुमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। तो यहां पर से समझते हुए चलिए बताइए आपका क्या हो जाएगा। देखो अगर मैं तुम्हें यहां से क्लियर करूं तो तुम्हारा ये जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो लिखा हुआ है इनके लिए सीटों का जो तुम्हारा कह सकते हो कि आपका आरक्षण का प्रावधान जो है वह बेसिकली क्या हो जाता है आपका जाति अनुपात के आधार पर करा गया है। किसके अनुपात पर आपका करा गया है यहां पर, जातीय अनुपात के आपके आधार पर यहां पर करा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे, इसके आधार पर आपका करा गया है। और अगर मैं यहां से तुम्हें थोड़ा सा पॉइंट और क्लियर कर देता हूं तो यहां पर से समझते हुए चलो इसका जो प्रावधान है, ठीक है ना, क्या आपका ये जो प्रावधान है किसमें तुम्हारा, तो यहां से नोट डाउन करेगा वह हमारा अनुच्छेद 300 में पाया जाता है। ठीक है ना, कहां पर आपका अनुच्छेद 300 में पाया जाता है, तो सी तुम्हारा यहां से राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद याद रखना बहुत मुश्किल है सर, हमसे नहीं याद होते हैं या हम भूल जाते हैं, है ना, इसमें तो हम तुक्का ही मारते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो तुम्हें क्या दिया गया है, बस जो पढ़ा रहा हूं लिखते रहो नोट्स बनाते रहो। प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था। देखो गेटवे ऑफ इंडिया की बात चल रही है, अगर गेटवे ऑफ इंडिया की बात चले तो ये तुम्हारा क्या है, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए लोकप्रिय सभा स्थल हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है ये तुम्हारा यहां पर से, तो नोट डाउन करिएगा तुम्हारा लोकप्रिय आपका क्या हो जाता है, सभा स्थल बच्चे हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तुम कहोगे बिल्कुल सर हो जाता है। बेटा क्लास को शेयर करके 140 प्लस पर अपनी पहुंचाइए। और अगर मैं तुम्हें यहां से क्लियर कर देता हूं तो जिसे क्या कह सकते हो, तो जिसे आप लोग को पता होना चाहिए जो इसके वास्तुकार हो जाते हैं वे कौन हो जाते हैं, सबसे पहले तो यह समझो, अगर वास्तुकार से रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन बनता है तो तुम्हें पता होना चाहिए यहां पर क्या हो जाएंगे आपके, तो जॉर्ज विटेट हो जाते हैं। ठीक है ना, कौन हो जाते हैं आपके यहां पर, जॉर्ज विटेट हो जाते हैं। ठीक है सर, नोट डाउन कर लिया। और अगर प्रीवियस सर चेक करिए, बेटा चेक आप कर लो नेट पर सर्च करके, सही निकलेगा एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, श्योर हूं मैं इसमें, अगर गलत निकलता है तो फिर आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, वरना आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या हो जाते हैं आपके, जॉर्ज विटेट हो जाते हैं। और अगर मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं तो इसकी नींव कब रखी गई थी, तो समझते हुए चलो अगर इसकी नींव से रिलेटेड तुमसे पूछे तो यहां से क्या कहोगे, इसकी नींव जो थी आपकी वह आपकी कब रखी जाती है बालक। ठीक है ना, ठीक है श्रेय, तो यहां पर तुम कह सकते हो इसकी जो नींव है वह आपकी कब 31 मार्च को रखी जाती है। ठीक है ना, कब रखी जाती है आपकी यहां पर 31 मार्च को रखी जाती है, और कब आपकी 1913 में रखी जाती है। ठीक है ना, 1913 में। और तुम्हारा क्या जो तत्कालीन जो बॉम्बे था, ठीक है ना, यहां पर क्या तत्कालीन बॉम्बे के आपके किसके द्वारा यहां पे, तत्कालीन बॉम्बे के जो आपके गवर्नर थे, सॉरी हाँ गवर्नर, हाँ गवर्नर के द्वारा आपकी यहां पर क्या रखी गई थी, आपकी नींव रखी गई थी। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो कह सकते हो कि ये जो तुम्हारा है यहां पर से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा, तो बालक सीधी सीधी बात है तुम्हारा यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। देखो अगर मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं तो ये जो तुम्हारा यहां पर क्या अनुच्छेद 300 लिखा हुआ है, तो यहां पर से समझते हुए चलो ये जो हमारा भारत सरकार है, ठीक है ना, ठीक है, जो हमारा भारत सरकार, और यहां पर लिखे हुए चलिएगा जो हमारा भारतीय क्या हो जाता है आपका संघ के नाम से, भारतीय संघ के नाम से आपका वाद से आप लोग कह सकते हो वाद लाया। अगर मैं तुम्हें क्लियर करूं तो आपका यहां पर क्या है, तो जो आपके यहां पे वाद विवाद हो जाते हैं जाति अनुसूचित जाति के अंदर, उसका विवरण आपका कहां अनुच्छेद 300 में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको कहां पर मिल जाएगा, अनुच्छेद 300 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी, अनुच्छेद 330 यहां पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो किसमें आपको यहां पर अगर मैं क्लियर करता हूं तो जातिवाद का जो भी तुम्हारा वाद विवाद हो जाता है वह तुम्हारा सॉरी अनुच्छेद 300 में मिल जाता है। जैसे कि तुम्हारा क्या हो जाता है कि जो तुम्हारे पिछड़े वर्ग हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं तुम्हारे यहां पर पिछड़े वर्ग हो जाते हैं। ठीक है, और यहां पर से समझते हुए चलो मैंने ऑप्शन पे टिक सही लगाया था, यहां पर आपका गलत लिख दिया था। ठीक है, जो तुम्हारे पिछड़े वर्ग हो जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा जो
स्पष्टीकरण उनका करा जाता है पिछले वर्गों का, ठीक है ना। क्या करा जाता है आपको, स्पष्टीकरण करा जाता है तो अनुच्छेद के पेज टू में आपका करा जाता है, ठीक है ना। और अगर आपको मैं क्लियर कर दूं तो इस अनुच्छेद में आपका जनसंख्या पद आपकी हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है आपकी, जनसंख्या पद आपकी यहां पर हो जाता है। जनसंख्या पद में आपको पता होना चाहिए अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका अंतिम, ठीक है लिख लीजिएगा यहां पर, क्या आपका अंतिम जो आपकी हो जाती है पूर्ववर्ती जनगणना, या फिर आपके यहां पर कह सकते हो सुसंगत आंकड़े आपके प्रदर्शित करे जाते हैं, ठीक है ना। जनगणनाओं के क्या आपके सुसंगत आंकड़े आपके प्रदर्शित करे जाते हैं, तो यहां से जो तुम्हारा हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। बस गलती इतनी हो गई थी कि आर्टिकल 300 मैंने लिख दिया था, एक्चुअल में 330 लिखना था, ठीक है। वैसे टिक मैंने 330 पे ही लगाया था, बाकी थैंक यू बताने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। देखो कंप्यूटर में डेटा की बात चल रही है और डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाती है, तो सभी को यह चीज पता होगा जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइट कहते हैं। उसका पूरा नाम क्या हो जाता है, बाइनरी, ठीक है ना। क्या हो जाता है तुम्हारा, बाइनरी डिजिट होता है कि नहीं होता है। तुम कहोगे बिल्कुल सर बाइनरी डिजिट हमारा यहाँ पर हो जाता है। और अगर मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं तो तुम्हारा ये जो बाइट है, तो तुम्हारा एक बाइट की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, किसकी बात करता हूं, यदि मैं एक बाइट की बात करता हूं तो समझते हुए चलो एक बाइट के अंदर आपके कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, है ना। कितने आपके हो जाते हैं यहाँ पर, 8 आपके बिट्स हो जाते हैं। और अगर मैं यहां से तुम्हें क्लियर कर दूं तो एक बिट जो आपकी हो जाती है, तो आपका यहां पर एक बिट, ठीक है ना, एक बिट ये जो आपका लिखा हुआ है, अगर मैं इसके मान की यहां पर बात करता हूं तो ये तुम्हारे क्या हो जाती है, तो यहां पर एक बिट जो है वह आपका 0 या फिर आपका 1 हो जाता है इसका मान, ठीक है। हाँ बिट कहते हैं आपकी बाइट नहीं, यहां पर बिट लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिट को यहां पर लगा लीजिएगा, हाँ बिट लगा लीजिए, और सॉरी बिट लगा लीजिएगा, इसी को क्या कहते हैं आपका, बाइनरी डिजिट कहते हैं, ठीक है। बिट को ही आपका बाइनरी डिजिट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया, बिट लगाइएगा आप लोग। अब यहां पर देखो तुम्हारे सामने दे रखा है कि दो रेलगाड़ियों की गतियां के बीच का अनुपात तुम्हारा कितना है, 2:5 दे रखा है। अब मैंने तुम्हें एक चीज, इस चीज को मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि कभी भी तुम्हें अनुपात दिया जाए उसको तुम क्या एज्यूम करोगे, तो तुम इसको 2:5 को क्या एज्यूम करोगे बेटा, तुम इसको लिखोगे 2x, इसको क्या लिखोगे 5x लिखोगे। यहां तक समझे, यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, अब तुम्हारी जो पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में कितनी चल रही है, 250 किलोमीटर चल रही है, तो उसकी टोटल गति यहां पर कितनी होगी, तो तुम यहां से कहोगे सर जो गति हो जाएगी वो हमारी 50 किलोमीटर हो जाएगी। अच्छा सर गति कैसे बताएंगे हम, देखो 250 बटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 5, तो कितना यहां पर से तुम्हें मिल जाएगा, तो 50 किलोमीटर जो प्रति घंटा है वह तुम्हारी यहां पर क्या हो जाएगी, इसकी गति हो जाएगी, ठीक है। राम राम कैसे हैं आप, सेम बालक, ठीक है। तो यहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ियों की गति किलोमीटर प्रति घंटे में अंतर यहां पर बताइए, दोनों रेलगाड़ियों का प्रति किलोमीटर, सॉरी दोनों रेलगाड़ियों का गति किलोमीटर प्रति घंटे में तुम्हें अंतर बताना है, ठीक है। तुम्हें यहां से कितना मिल जाएगा बालक, देखो 2k बराबर तुम्हें यहां पर 50 मिलेगा, तो k बराबर तुम्हें कितना, 50 अपॉन तुम्हें 2, और यहां पर से कितना 25 मिल जाएगा। अब तुम्हें 2k माइनस 5k का यहां पर अंतर निकालना है, जब 2k माइनस 5k का तुम यहां पर अंतर निकालोगे कितना बचेगा तुम्हारा, 3k बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 3 मल्टीप्लाई तुम्हारा यहां पर क्या हो जाएगा, तो 25, 3 मल्टीप्लाई तुम्हारा 25 कितना यहां पर से बच जाएगा, 75 किलोमीटर जो है वह तुम्हारा यहां से राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से तुम्हें समझाया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वह तुम्हारा यहां से क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सत्य आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, देखो कभी भी इस क्वेश्चन में गलती मत करना, एक को 2x मानना और एक को 5x मानना। तुम्हें यदि पहली रेलगाड़ी की यहां पर क्या, 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो उसकी गति निकालोगे, सदैव याद रखना क्या निकालोगे, गति निकालोगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई, तो दोनों रेलगाड़ियों की गति भैया 2k माइनस 5k मत से कितना तुम्हारा 3k रह गया। तुम्हें k का मान ज्ञात करना है, k का मान कैसे ज्ञात करोगे बेटा, 2k बराबर तुम्हारा कितना 50, k बराबर तुम्हें कितना यहां पर 25 मिल जाएगा। k का मान हमेशा याद रखना,
रखना कि जो तुम्हारा छोटा नंबर दे रखा है ना यहां पर, क्या जैसे एज्यूम कर लो यहां पर हमने 5k मान लिया होता और एक तुम्हारा 7k मान लिया होता, तो तुम जो k का मान कर ज्ञात करते हो छोटे नंबर से ज्ञात करते हो 5k की हेल्प से, ठीक है। तो हमें k का मान कितना 25 मिल जाएगा, अंतर आपका 3k आया, k की जगह पर हमने 25 पुट कर दिया, 75 आपका राइट ऑप्शन आंसर यहां पर हो जाएगा। ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, कितना ढंग का क्वेश्चन है कि यहां पर देखो क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला जा रहा है। इसमें बिल्कुल तुम ना सरदर्दी लेना मत क्वेश्चन में, अगर मैं तुम्हें यहां पर से क्लियर कर दूं तो तुम्हारा यहां पर क्या है त्रिभुज एबीसी और क्यूपी आपका आर, और यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है आपका ए आर त्रिभुज आपका एबीसी अपॉन आपका ए आर त्रिभुज एबीसी का कितना दे रखा है इक्वल टू 4/25। ए बी तुम्हें 12 दे रखा है, बीसी तुम्हें यहां पर 8 दे रखा है, और एसी बराबर तुम्हें यहां पर 10 दे रखा है, ओ आर तुमसे यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा है तुमसे यहां पर, ओ और आर तुमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझो तुम्हें, सॉरी क्यू और आर, यहां पर क्यू करना है, ठीक है ना, तुम्हें क्यू और आर पूछा जा रहा है। अगर मैं तुम्हें इसको चित्र की सहायता से समझाऊं, ठीक है ना, क्या मैं अगर इसको चित्र की सहायता से भी अगर मैं तुम्हें समझाने बैठूं तो यहां पर कहीं ना कहीं तुमसे क्या थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हें यहां पर ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। एक चीज समझो, तुम्हारे दो यहां पर क्या हो जाते हैं त्रिभुज हो जाते हैं, देखो दो त्रिभुज की बात चल रही है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा एक यहां पर हो जाता है ए बी सी, और एक तुम्हारा यहां पर यह त्रिभुज हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है क्यू पी आर हो जाता है, ठीक है। अब कभी भी तुमसे दो त्रिभुज की बात करें और तुमसे यहां पर एक ज्ञात करने को कह दे, जैसे तुमसे यहां पर क्यू आर उसने ज्ञात करने को दे दिया, तुम्हें एसी कितना दे रखा है, तो तुम्हें यहां पर समझो तुम क्या कर दोगे बेटा, एसी का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, और अपॉन कितना कर दोगे क्यू आर का स्क्वायर कर दोगे, इक्वल टू में कितना तुम्हारा 4/25 हो जाएगा, सदैव याद रखना एसी का स्क्वायर, ठीक है, फिर तुम्हारा क्या यहां पर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, हमेशा यही करोगे तो यहां से तुम्हें कितना मिल जाएगा बालक, तुम्हें 10 का स्क्वायर अपॉन तुम्हारा क्यू आर का स्क्वायर बराबर तुम्हारा कितना 4/25, क्योंकि तुम्हें ये वाली ज्ञात करनी है ना, क्या ज्ञात करना है तुम्हें, यही तो ज्ञात करना है इस साइड वाला, है ना, तो तुम्हें ये ज्ञात करने के लिए तुम्हें एक तो दे रखी है, एसी तुम्हें 10 दे रखी है और क्यू आर पूछी गई है, तो इसका फॉर्मूला तो तुम्हें पता है 10 स्क्वायर अपॉन क्या कर दो क्यू आर स्क्वायर, मतलब एबीसी का क्षेत्रफल बटा तुम्हारा पी क्यू आर का क्षेत्रफल, है ना, यही तो होता है फॉर्मूला, तो तुम्हें कितना मिल जाएगा 4/25, और यहां से क्यू आर स्क्वायर बराबर तुम्हें कितना मिल जाएगा बालक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100 हो जाएगा आपका यहां पर, मल्टीप्लाई तुम्हारा कितना हो जाएगा 25 अपॉन तुम्हारा 4, तो यहां से क्यू आर बराबर तुम्हें कितना 25 का स्क्वायर, क्यू आर बराबर तुम्हें कितना मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर आपका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। हाँ सैनी कैसे हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ आर्मी लवर कैसे हैं आप, जय हिंद। तो यहां से डी जो है वह तुम्हारा परम सत्य आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को। अरे जल्दी से मुंडी हिला दो कि हां सर क्लियर है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6961, ठीक है ना, 6961.5 रुपए है, ठीक है, कितना दे रखा है 6961.5 रुपए है, इसी दर से और उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज रुपए में तुम्हें बताना है कितना होगा। देखो समझो यहां पर तुमसे क्या पूछा है, उसने साधारण ब्याज तुमसे यहां पर पूछा है इसका, ठीक है, क्या तुम्हें यहां पर उसने किसी निश्चित राशि तुम्हें नहीं पर्टिकुलर पता है, ठीक है ना, क्या नहीं पता तुम्हें यहां पर निश्चित राशि, मतलब तुम्हें पी नहीं पता है, तो पहले तो तुम्हें क्या निकालना होगा यहां पर, पी निकालना होगा, है ना, क्या निकालना होगा, पी निकालना होगा, तो पहले जब तुम पी निकाल लोगे उसके बाद में ही तो तुम साधारण ब्याज निकालोगे। अब तुम समझो, क्योंकि साधारण ब्याज का तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन तुम्हारा यहां पर हो जाता है 100, तो तुम्हें आर पता है यहां पर 21 है, टी पता है तुम्हें 2 है, लेकिन पी नहीं पता है, तो पी तुम कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले तो तुम ये समझो, ठीक है, पी यहां पर कितना हो जाएगा, मैं बेसिक से बता रहा हूं बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करके, कितना 1+ आपका हो जाएगा आर अपॉन तुम्हारा यहां पे 100^(n-1), इससे तुम क्या करोगे पी ज्ञात को तो ज्ञात करोगे, और तुम्हें चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है, तो तुम्हें 6961.5, ठीक है, बराबर आपका पी, और यहां पर कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 1+ आपका कितना 21/100^2 माइनस तुम्हारा कितना रहेगा यहां पे 1 रहेगा,
तो 6961.5 बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा P, और यहां पर कितना तुम्हारा 14641 माइनस तुम्हारा 1, यहां से तुम्हें कितना मिल जाएगा, तो बालक P बराबर तुम्हारा हो जाएगा 6961.5 अपॉन तुम्हारा यहां पर हो जाएगा 04641 बराबर तुम्हारा 15,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, पी तुम्हें कितना मिल गया, मतलब तुम्हें जो निश्चित एक राशि एक मूल राशि मिल गई वो तुम्हें 15,000 रुपए मिल गई, तो बस यहां पर 15,000 ठीक है मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 2 बटा तुम्हारा 100, दो जीरो यहां पे कट हुए और तुम्हें यहां से कितना मिल जाएगा, तो देखो ये तुम्हारा कितना हो जाता है 1500 150 150 ना 300 300 और यहां पर कितना तुम्हारा बन जाएगा, तो यहां से तुम्हें पर्टिकुलर मिल जाएगा वह तुम्हारा मिल जाएगा 6300 रुपए, और यही तुम्हारा यहां से क्या हो जाएगा परम सत्य आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बताया, जय हिंद, कैसे हैं फौजी, अब क्लियर हो गया कि नहीं। कहां पर बेटा माइनस वन यहां पर क्यों नहीं आएगा, तुम्हारा फॉर्मूले में ही माइनस वन आ रहा, तो माइनस वन तो तुम यहां पर लोगे ही लोगे, तो यहां से 6300 जो है वह तुम्हारा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक बार क्वेश्चन को समझो कि किस शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर सबसे कम है, तुम्हें यहां पर बताना है तुम्हारा कौन से वाले शैक्षणिक वर्ष के बीच में आपका उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का यहां पर क्या, देखो ये तो तुम्हारे हो गए अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है, और ये तुम्हारे यहां पर क्या हो जाते हैं उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होना मत, किस वर्ष में तुम्हें बताना है कि बीच आपका अंतर सबसे कम है। सबसे पहले 2013 2014 में देखो यहां पर कितना 100, यहां पर आपका 50 का अंतर हो रहा है, ठीक है ना, कितने का अंतर हो रहा है यहां पे 50 का अंतर हो रहा है। 2014 2015 में देखो यहां पर तुम्हारा 100 और यहां पर क्या हो जा रहा है तुम्हारा 200, तो यहां पर कितना तुम्हारा 100 का अंतर आ रहा है, ठीक है ना, कितने का अंतर आ रहा है 100 का अंतर आ रहा है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो फिर 2016 2017 में देखो यहां पर तुम्हारा कितना 50 और ये तुम्हारा कितना हो जाता है यहां पर, तो सबसे कम अंतर तुम्हें बताना है 300, तो कितना यहां पर तो तुम्हारा 250 का अंतर आ रहा है। फिर 2015 और 2016 तुमने देख लिया, फिर 2016 और 2017 में देखो 2015 2016 में कितना 250 का अंतर, 250 का आ रहा है, और 2015 और 2016 में 2016 और 17 में देखो तो यहां पर देखो तुम्हारा कितना 100 हो जाता है और ये तुम्हारा कितना हो जाता है यहां पर 250 हो जाता है, 150 का अंतर आ रहा है, तो कहां पर तुम्हारा सबसे कम अंतर है ये चीज बताइए। तो 2013 2014 में ही तो 50 का अंतर आ रहा है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा राइट हो जाएगा। तुम डी पर टिक लगा के बैठे हो, कैसे डी पर टिक लगा रहे हो बेटा, 2015 में देखो 50 है ना और तुम्हारा क्या हो जाता है 50 तुम्हारे अनुत्तीर्ण बालक हो जाते हैं, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाते हैं तुम्हारे उत्तीर्ण बालक 300 हो जाते हैं, इनके बीच में 250 का अंतर है कि नहीं है अंतर, सबसे कम पूछा है तुमसे अंतर, ठीक है, ऑप्शन ए सत्य हो जाएगा। क्लियर सभी को, अगला प्रश्न देखिए, एक उड़ा दिया है हवा में ही उड़ा दिया बिल्कुल। अब देखो प्रत्येक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है ना, त्रिज्या वाले आपके दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है 13 सेंटीमीटर तुम्हें दे रखी है, और त्रिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई तुमसे पूछी गई है। एक चीज यहां पर से समझो, तुम फॉर्मूला समझो बेटा क्या है, कभी भी तुमसे एग्जामिनर त्रिक के बारे में पूछता है, त्रिक आपसे क्या पूछे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बारे में पूछे, उसकी लंबाई के बारे में, किसके बारे में आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई के बारे में एग्जामिनर तुमसे कभी भी पूछे, तो सदैव एक पॉइंट यहां पर नोट डाउन करना, एक फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना, ठीक है, यहां पर क्या, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा वाले टिक लगा दिए, इजी होते हैं ग्राफ वाले वैसे क्वेश्चन, तो एक फॉर्मूला याद करना क्या कि यहां पर क्या हो जाएगा रूट के अंदर C1 C2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R1 और R2 का तुम्हारा कितना यहां पे होल ऑफ स्क्वायर, बस इससे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझो यहां पर क्या रूट के अंदर क्या हो जाएगा तुम्हारा दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है तुम्हें 13 सेंटीमीटर दे रखी है, 13 का स्क्वायर माइनस प्रत्येक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की, तो यहां पर 2.5 ठीक है प्लस कितना हो जाएगा ये तुम्हारा प्लस रहेगा बीच में, ठीक है, यहां पर क्या रहेगा प्लस रहेगा 2.5 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, देखो कितना मिला यहां पर तुम्हारा 169 माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 हो जाएगा, और रूट में तुम्हारा कितना 144 रूट हटाओगे कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, राइट आपका ऑप्शन आंसर होगा। क्लियर सभी को, तुम्हें तब क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होता है जब तुम्हें फॉर्मूला एक बार लिख दो और बता दो बेटा इस फॉर्मूले से तुम्हारा क्वेश्चन लगेगा, तो तुम्हारा खुद ब खुद ही तुम्हें क्लियर हो जाता है ना, 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, तो ये तुम्हारा परम सत्य यहां पे आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, तो यहां पे विद्यार्थियों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष
कि शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष तुम्हारी सबसे कम है। तुम्हें यहां से डिफाइन करके बताना है कि आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। ठीक है, देखो बालक, अगर इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करूं तो तुम्हारा बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तुम्हें बताना है कि प्रतिशत वृद्धि की बात चल रही है। अगर तुम प्रतिशत वृद्धि यहां पर देखो तो सबसे पहले तुमसे 2016 और 2017 में बोला गया है, ठीक है ना, किसमें आपका 2016 और 2017 में। तो यहां पर से तुम्हें पता है ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, और ये तुम्हारे क्या हो जाते हैं, यहां पर अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर तुम्हें। अब यहां पर से क्वेश्चन पे फोकस करो जरा, 2016 2017 में देखो तो यहां पे क्या हो गया आपका, ये देखो, फिर यहां पर क्या, इसको देखो, ये 250 प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहां पे 100 कितना हो गया तुम्हारा, 350 हो गया। ठीक है, किस वर्ष में तुम्हारी यहां पर सबसे कम है, सबसे कम तुम्हें बतानी है। उसके बाद तुम यहां पर क्या देखो बालक, 2016 2017, और फिर यहां पर देखो, एक मिनट रुक जाना, हाँ ये देखो 300 हो गया, और यहां पर कितना हो गया तुम्हारा, 50 हो गया। कितना इसके बीच में अंतर आया तुम्हारा, 300 प्लस 50, ये भी तुम्हारा कितना आ जाता है, 350 हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो तो यहां पर कितना तुम्हें, जीरो मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 2016 और 2017 हो जाएगा, बाकी सबको अगर तुम देखोगे। ठीक है ना, एक मिनट दूसरा भी दिख जाएगा, क्वेश्चन को एक बार समझो और पढ़ो। विद्यार्थियों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि पिछले शैक्षिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है। तुम्हें 2016-2017 चेक करना है, पहले 2016-17 निकालो। तो यहां पर देखो तुम्हें कितना मिल जाएगा, ये तुम्हारा 100, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा यहां पर। तो ये तुम कहोगे सर देखो यहां पर इस तरीके से देखो, 250 प्लस यहां पर कितना हो गया 100, कितना बनेगा तुम्हारा यहां पर, 350 बन जाएगा। पिछले वर्ष की बात चल रही, पिछले वर्ष की भी तुलना करनी है, 50 और ये तुम्हारा कितना हो जाता है यहाँ पे 300, ये भी तुम्हारा हो गया 350। अब इनके बीच का तुम्हें क्या देखना है कि किस वर्ष में आपकी यहाँ पर कम है। तो 2000 आपका 350 में 350 घटाओ, कितना तुम्हारा जीरो बच जाएगा, जीरो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा 2016 और 2017 में आएगा। अंकुर कैसे हो, खुश रहो। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही तुम्हारा यहां से करेक्ट होगा। बाकी अगर तुम चेक भी करोगे तो यहां पे तुम्हें नहीं मिलेगी किसी में भी कम। भैया जिसकी जीरो आ गई वही तुम्हारा यहां पर से राइट ऑप्शन आंसर हो गया, आगे तुम्हें जांचने या परखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, दूसरे में तुम्हारी जीरो नहीं दे रखी होगी क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रश्न ही तुम्हारा गलत हो जाएगा, है ना। चलो अब यहां पर देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है कि सभी 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान अनुत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में क्या है। ठीक है, जल्दी से यहां से बताइए आपका क्या हो जाएगा। देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा पिलपिलाद मैं कहूंगा, आपका क्या है, 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान अनुत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत, अनुत्तीर्ण तुम्हें यह दे रखा है। यहां से जरा तुम ध्यान से समझना कितना हो जाएगा, 100, 100, 50, 100, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा यहां पर, फिर से हो जाएगा 100। तो यहां पर कैसे लिखोगे तुम, 100 प्लस तुम्हारा 100 प्लस तुम्हारा 50 प्लस तुम्हारा 100 और प्लस तुम्हारा 100। पूछा किसमें, परसेंटेज में पूछा है, तो मल्टीप्लाई क्या रहेगा तुम्हारा, 100 रहेगा अपॉन अनुत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कैसे निकालोगे बालक, ये 100 और यहां पर कितना हो गया तुम्हारा, 150। तो कितने हो गए तुम्हें यहां पर से, तो तुम्हारे हो गए 250 हो गए। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा यहां पर से, हो गया तुम्हारा 100 और ये तुम्हारा कितना हो गया, 200। तुम्हारे कितने हो गए टोटल यहां पर, 300 हो गए। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हुआ यहां पर, 50 और ये तुम्हारा कितना हुआ, 300। तो यहां पर से कितना हो गया तुम्हारा, 350 हो गया, और ये तुम्हारा कितना, 100 और यहां पर कितना हो गया, 250। तुम्हारा फिर से यहां पर कितना हो गया, 350 हो गया, और प्लस तुम्हारा यहां पर से कितना हो गया, 100, 300, 400 हो गया। ठीक है, कितना यहां पर से इस पूरे को ऐड करा तुम्हें कितना मिला, 450 मल्टीप्लाई तुम्हारा 100। ठीक है, अब देखो 300, 300, 300, 350, 700, 700, 700, 400 आपका 1100, 1100, 300 तुम्हारा कितना, 1400, और यहां पर कितना तुम्हारा बना, 1650। हाँ लवली कैसे हैं, ठीक है, 1650। अब देखो जीरो से जीरो कट हुआ,
ठीक है, 5 × 10 और 5 × 3 = 15 और तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, तो तुम्हारा यहां पर से कितना बनेगा तो 450, तो तुम्हारा 27.2% और कितना तुम्हारा 27% जो है जो कि तुम्हारा सत्य आंसर यहां पर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो बी तुम्हारा यहां पर से करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर तुम्हें क्या बताना है, एक्चुअल में तुम्हें यहां पर अगर मैं क्लियर करूं तो यहां पर तुम्हें क्या बताना है कि ग्रामेटिकल एरर बताना है विद दिस हीट वेव ऑन वी आर हैविंग अ ट्रेबल सॉरी टेरिबल वेदर। तो यहां पर हीट वेव ऑन होगा आर टेरिबल वेदर हो जाएगा, विद दिस होगा या वी आर हैविंग होगा, तो मैं यहां पर तुम्हें बताना है कि कौन से वाले पार्ट में आपका एरर होगा। तो जल्दी से डिफाइन करिए। ठीक है, जल्दी से बताओ यहां से तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन आंसर बनेगा। देखिए अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पे आपका क्या है, ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, यहां पर जरा क्वेश्चन पर ध्यान देखो, तुम्हारा आर टेरिबल में ए का प्रयोग हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है ए का प्रयोग। तो यहां पर से अगर तुम क्वेश्चन पे ध्यान केंद्रित करो तो तुम्हारा ये जो ए है ये तुम्हारा क्या हो जाता है, यहां पर एक तुम्हारा अनुसूचित निरर्थक या फिर तुम्हारा कह सकते हो आई एन डी आर्टिकल का आपका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं तुम्हें यहां पर क्लियर करूं तो आर ट्रेबल वेदर के स्थान पर क्या तुम्हारा ट्रेबल वेदर जो है वह तुम्हारा यहां पर राइट ऑप्शन आंसर होगा, तो बी वाले पार्ट में आपका यहां पर एरर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर क्या तुम्हें ऑर्थोडॉक्स का तुम्हें सनोनियम बताना है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तुम्हारा रूढ़ीवादी हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है तुम्हारा यहां पर रूढ़ीवादी हो जाता है। इसका सनोनियम यहां पर से क्या होगा, तो बालक ट्रेडिशनल जो है वह तुम्हारा यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सनोनियम आपका हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, एक तरीके से एडजेक्टिव हो जाता है। इसका एक और सनोनियम यहां पर लिख लेना कि कंजर्वेटिव भी तुम्हारा यहां पर क्या हो जाएगा आपका, हाँ ये नहीं आएगा, तो कंजर्वेटिव भी तुम लोग कह सकते हो कि यहां से क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव भी आपका यहां पर से सनोनियम होगा, तो सी तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर इडियम है एट आर्म्स लेंथ, तो यहां पर तुम्हें क्या बताना है, एट आर्म्स लेंथ का तुम्हें यहां पर बताना है क्या है। एक्चुअल में तुम्हें यहां पर क्लियर करना है कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, और एक चीज बता देता हूं, इसके बाद वाली तुम्हारी दिल्ली पुलिस की क्लास होने वाली है। ठीक है बच्चे, तो वह क्लास थोड़ा सा हो सकता है 5 मिनट डिले आपकी हो जाएगी, तो इतना कोई इश्यू होना नहीं चाहिए अगर 5 मिनट क्लास डिले हो जाती, क्योंकि ये क्लास खत्म होते ही मैं दूसरी क्लास यहां पर लूंगा, है ना। तो क्लियर कर देता हूं पहले, तो यहां से तुम राइट ऑप्शन आंसर बताओ आपका क्या हो सकता है। ठीक है, हाँ बस अगली सेशन आपका दिल्ली पुलिस का होगा। तो एट आर्म्स लेंथ की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या हो जाता है, दूर से सलाम करना। भाई हमने क्या कर लिया, उस व्यक्ति को दूर से सलाम करा, हमने पास से कोई यहां पर दोस्ती यारी नहीं रखी, तो क्या हो गया, दूर से तुम्हारा यहां पे सलाम करना। ठीक है, मतलब यहां से समझो तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। ठीक है, तो सी तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। तो यहां पे एसिड टेस्ट का तुम्हें क्या बताना है, एसिड टेस्ट का तुम्हें यहां पे अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, ईडियम है तुम्हारा। एसिड टेस्ट की यदि मैं बात करता हूं तो यहां से तुम लोग क्या कहोगे, ये तुम्हारा जो एसिड टेस्ट है इसको तुम लोग क्या कहोगे, तो ये तुम्हारा यहां पर क्या हो जाता है, अ कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ द सक्सेस और वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है ना, किसी के लिए तुम्हारा एक टेस्ट देना जो तुम्हारा वैल्यू हो उस चीज के लिए, तो यहां से तुम्हारा वाक्य क्या बनेगा, डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ अ ट्रुथ ऑफ फॉल्सहुड। तो डी तुम्हारा यहां से करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, ऐसे व्यक्ति होते हैं कहते नहीं उस व्यक्ति से दूर रहो, दूर की दोस्ती दूर, मतलब उससे दूर की ही दोस्ती, दूर का ही दुआ सलाम रखो, तो उसके लिए मेनली ये आपका यूज करा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रखा है। तो यहां पर तुम्हें क्या बताना, अ वर्ड, देखो अब तुम्हें पूरा का पूरा यहां पे अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, पूरा पूरा सेंटेंस दे रखा है, वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड आपका प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। तो यहां पर बताओ तुम्हारा राइट ऑप्शन आंसर क्या बनेगा। ठीक है, जल्दी से डिफाइन करिए। सभी लोग बताओ यहां से आपका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा। देखो अगर मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं तो यहां समझते हो, चलो आप फॉर्म्ड एक शब्द जो दूसरे शब्दों के प्रारंभिक अक्षरों से बनता है और एक शब्द के रूप में आपका वह उच्चारित भी हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो तुम लोग यहां से उसको क्या कह दोगे, तो वह आपका एक्रोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, एक्रोनियम कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं आप लोग, यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा,
ठीक है ना, आधिवणिक, ठीक है ना, क्या हो जाता है तुम्हारा यहाँ पे आधिवणिक शब्द जो है, जो कि आपका यहाँ पर से राइट ऑप्शन आंसर हो जाता है। ठीक है, तो डी पर टिक लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रुथ रूल ऑफ अ कंडक्ट, जिसको क्या कहेंगे आप लोग, जल्दी से डिस्क्राइब करिए। ठीक है, ये आपका सेंटेंस दे रखा है, देखो अ शॉर्ट स्टेटमेंट, एक सामान्य तुम्हारा सत्य आचरण के नियम पर संक्षिप्त विवरण, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, मैक्सिम आपका कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं, मैक्सिम, जिसका मतलब क्या हो जाता है, तुम्हारा कहावत कह सकते हो तुम इसको, ठीक है, या फिर तुम इसको सुक्ति भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप इसको, सुक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया गया है, तो तुम्हें यहाँ पे एडवांस का क्या एंटोनियम बताना है। देखो एडवांस की यदि मैं बात कर लेता हूं, तो तुम्हें पता है यहाँ पे आगे बढ़ना या फिर तुम्हें उन्नति करना क्या हो जाता है आपका यहाँ पर, इसका एंटोनियम, सॉरी इसका अर्थ हो जाता है उन्नति करना। ठीक है, या फिर कह सकते हो तुम यहाँ पर आपका क्या, आगे बढ़ना। ठीक है, और अगर यहां से क्लियर करूं तो इसका एंटोनियम आपका क्या बनेगा, तो बालक तुम लोग कहोगे रिट्रीट जो है वह आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाता है आपका, पीछे हटना, है ना, क्या हो जाता है आपका यहाँ पर, पीछे हटना जो है वह आपका इसका एक्चुअल में आपका आंसर हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेस्ट का तुम्हें क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। क्वेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो तुम लोग कह सकते हो किसी की तुम क्या कर रहे हो, जिंदगी में खोज कर रहे हो। ठीक है ना, तुम क्या अपनी मंजिल की खोज कर रहे हो, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, अपनी मंजिल की तलाश कर रहे हो। ठीक है, और अगर मैं यहां से बात कर लेता हूं तो तुम्हारा क्या राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, मतलब सर्च, सर्च क्या होगा आपका यहां से, उपयुक्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपका एरोगेंट का तुम्हें क्या बताना है, यहाँ पे एंटोनियम बताना है। अगर मैं एरोगेंट की बात करता हूं तो यहां से तुम्हारा एंटोनियम देखो क्या हो जाएगा, एरोगेंट का मतलब आपका हो जाता है यहाँ पर अभिमानी, है ना, क्या हो जाता है आपका, अभिमानी हो जाता है, या फिर कह सकते हो तुम यहाँ पर क्या आपका अहंकारी भी हो जाता है ना। तो यहां पर से समझिए आपका क्या राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो हम्बल जो है वह आपका यहाँ पे एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और ये आज का तुम्हारा अंतिम प्रश्न है, तो करेक्ट स्पेलिंग बताइए आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी। देखिए अगर हम लोग करेक्ट स्पेलिंग की बात करते हैं तो रिसिप्ट जो है वह आपकी क्या हो जाती है यहाँ पर, करेक्ट आपकी स्पेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के आज का क्लास आपका यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और डेली तैयार रहिएगा इस क्लास के लिए, जो कि आपके 7:45 पर क्या होता है, एमटीएस का पेपर होता है। ठीक है, उसी के बाद आपका 9:15 पर क्या हो जाता है, दिल्ली पुलिस का पेपर होता है, और उसके बाद जो आपकी क्लास होती है 10:30 पे, वह आपकी क्लास हो जाती है यहाँ पे यूपीपी का पेपर। ठीक है, तो क्लास के लिए तैयार रहिएगा, कल से आप इसी टाइम पे डेली आपका क्लास का टाइमिंग भी यही है। तो थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहां से मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रांसफर करूंगा दिल्ली पुलिस की क्लास में। ठीक है, और दिल्ली पुलिस की क्लास आपकी यहाँ पे 8:25 पे स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बीएसए, जय मां भारती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।